सो हाय गाइस, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप में से बहुत लोग बोले कि भाई तुम तो गोल्ड फिश रखते नहीं, तुमको क्या नॉलेज होगा गोल्ड फिश के ऊपर। तो भाई मैं जब छोटा था मैं उस टाइम बहुत गोल्ड फिश रखा हूँ, एंड ऐसा नहीं कि मुझे पसंद नहीं, गोल्ड फिश इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सेलिंग फिश इन एक्वेरियम हॉबी। एंड मैं जब भी कोलकाता या गैली स्ट्रीट जाता हूँ मैं हमेशा गोल्ड फिश खरीद के लेके आता हूँ। बहुत सारे वेराइटीज़ आप लोग मेरे वीडियो पे देखे होंगे फॉर माई फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। एंड मैंने एक टैंक भी सेट किया था आज से 3 साढ़े 3 साल पहले, वो भी टैंक का वीडियो मैं आज आप लोग को दिखाऊंगा। बट एक छोटा सा प्रॉब्लम है, लाइक अभी तो मेरा पास कोई गोल्ड फिश है नहीं, रात का टाइम है, तो मैं मेरा फ्रेंड का घर पे अभी जाऊँगा, सामने रहता है, उससे मैं 2 गोल्ड फिश लेके आ रहा हूँ। ओके, सो मैं अपना फिश रूम पे आ गया हूँ। जैसे आप लोग देख सकते हैं एकदम, मैं स्टार्टिंग से आप लोगों को बताऊंगा, लाइक नॉर्मल आप लोग के जैसे आप फिश शॉप में जाते हैं, फिश बाय करते हैं, एंड दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्लिमेट। ठीक है, यह मेरा बेटा फिश भी है, तो ये तो मेरा फिश नहीं है, मेरा फ्रेंड का है, पास में रहता है, एंड इसका 2 ईयर्स ओल्ड है, इसका थोड़ा सा कम है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जब भी फिश शॉप पे जाइएगा चूज़ द हेल्दी गोल्ड फिश, जो थोड़ा डिजीज रहेगा, फिन डॉट रहेगा, ज़्यादा स्विम नहीं करेगा, उनको पिकअप मत कीजिए, जो अच्छा हेल्दी रहेगा उनको ही पिक कीजिए। तो चलिए मैं इसको, अब एक्लिमेट हो गया है 20 मिनट, मैं आप इनको ऐड करूँगा मेरे नए वाले टैंक पे। ओके, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरे पास एक नेट है और बाल्टी है। कभी भी एक्वेरियम शॉप का पानी एक्वेरियम में अपने मत डालिएगा, बहुत सारे पैरासाइट गंदगी रहते हैं, पूरा पानी छान के फिर आप इसको ऐड कीजिए। ले गया फिश। ओके, आप इनको आराम से एक्वेरियम पे ऐसे ऐड कीजिए। ये ऐड हो गया गोल्ड फिश। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, इस तरह से आप इसको ऐड कीजिएगा, एकदम फिश को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं टैंक सेटअप कैसा होगा गोल्ड फिश का। तो मिनिमम मैं सजेस्ट करूँगा आप 2 फीट से ट्राई कीजिए, 2 फीट से नीचे मत लीजिए, बहुत ख़राब लगता है देखने में। 2 फीट इज स्टैंडर्ड साइज। टैंक का सेटअप कैसा होगा, आप बेयर बॉटम जैसे इस तरह से है ऐसे रख सकते हैं, या एक थिक लेयर का सैंड डाल सकते हैं, या जो ग्रेवल्स होता है मैं वो बाद में बता रहा हूँ, ग्रेवल्स क्यों डालना चाहिए क्यों नहीं डालना चाहिए। एंड आप एक इस तरह से टॉप फिल्टर लगा सकते हैं, मैं जैसे ऑक्सीजन का भी पंप दिया हूँ, आप उस तरह से एक स्पंज फिल्टर भी डाल सकते हैं, बैकग्राउंड आपके ऊपर है, ब्लैक डाल सकते हैं आप, ब्लू डाल सकते हैं, डजेंट मैटर। सो गाइस, जैसे आप लोग देख सकते हैं विद इन फ्यू मिनट्स फिश एकदम सेट हो गया है, एकदम स्ट्रेस पे नहीं है, आराम से घूम रहे, वो लोग बीच बीच में रोक रहा है। तो अच्छे से एक्लिमेट अगर आप नहीं करोगे फिश को तो वो एक कोना पे बैठे रहेगा, डर जाएगा। ठीक है, एंड जब भी आप नया फिश को इंट्रोड्यूस करते हो टैंक पे, दूसरा कोई भी बुली फिश वहाँ पर होना नहीं चाहिए। ठीक है, सो गाइस बहुत लोग मुझे पूछते हैं गोल्ड फिश का बेस्ट फूड बताओ, तो मैं ड्राई फूड में हमेशा ऑप्टिमम चूज़ करता हूँ, फिर बहुत सारे ड्राई ब्लड वर्म्स है वो भी आप दे सकते हो। ठीक है, फिर मार्केट में आजकल बहुत सारे ब्रांड्स है फूड का, आप ज़्यादा उल्टा सीधा मत खिलाइए गोल्ड फिश को। ठीक है, एंड बहुत लोग बोलते हैं मुझे अच्छे होममेड फूड क्या है गोल्ड फिश के लिए, तो गोल्ड फिश का होममेड फूड बहुत सारे हैं, मोस्टली वेज आइटम्स है, आप पीज ले सकते हैं, चने वगैरह, फिर ब्रोकली हो गया, कैरेट्स हो गया, इन सबको आपको ब्लांच करना होगा 2 टू 3 मिनट्स, फिर आप उसको छोटे छोटे टुकड़े पे दे सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है, एंड वो लोग बहुत अच्छे से खाता है। ठीक है, वेज आइटम में आप वो सब दे सकते हैं। अब
बहुत लोग मुझे पूछते हैं गोल्ड फिश का टैंक मेट्स क्या होना चाहिए। सो गाइस, मैं गोल्ड फिश के साथ गोल्ड फिश ही रखने सजेस्ट करूँगा, अच्छे लगते हैं देखने के लिए, ठीक है। दूसरा फिश आप मत रखिए, एंड आप छोटे मोटे ये सब रख सकते हैं, बट एंजल मत रखिएगा, ठीक है। आप गोल्ड फिश के साथ गोल्ड फिश ही रखिएगा। फिर बात करते हैं गाइस, क्या गोल्ड फिश को विंटर पे हीटर चाहिए? जी नहीं, बट उतना भी ठंडा क्लाइमेट अगर आपका वहाँ पर है, लाइक 12 डिग्री 10 डिग्री हो जाता है पानी, तब आपको हीटर ऐड करना होगा, और एल्स उनको हीटर का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। विंटर पे आप लोग को हीटर देने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं सम ऑफ द लाइक कॉमन डिजीजेज जो गोल्ड फिश को हमेशा होता है। एक होता है वाइट स्पॉट, इसको ईच बोला जाता है। वो बेसिकली होता है गाइस, पानी का पैरामीटर सही नहीं रहता है, पानी गंदा रहता है, ठीक है। बहुत दिन से आप ग्रेवल्स वगैरह जो रहते हैं वॉश नहीं किए होंगे, इसीलिए होता है। तो उसका ट्रीटमेंट क्या है, आपको हीटर का थोड़ा इंक्रीज करना होगा टेम्परेचर, फिर आपको रॉक सॉल्ट या एप्सम सॉल्ट जो रहता है वो 2-3 चम्मच एक 5 गैलन का टैंक लेके आपको ट्रीटमेंट करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट उसका एक और डिजीज है, उसको बोला जाता है ब्लोट। वो होता है गाइस ओवरफीडिंग का कारण। आप जब भी ओवरफीडिंग करते हैं अपने फिश को, उसका पेट फूल जाता है, बहुत टाइम डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है, तो आप फीडिंग एकदम कम दीजिए गोल्ड फिश को, बस 2 टाइम दीजिए। आप दोपहर को दीजिए और रात को दीजिए, ज़्यादा बिल्कुल मत दीजिए गोल्ड फिश को फीड, ठीक है। फिर हो गया स्विम ब्लैडर, ये भी वही सेम है गाइस, फिश उल्टा स्विम करता है अपसाइड डाउन बहुत टाइम, तो उसको बचा नहीं जाता है, बहुत मुश्किल है उन सब सिचुएशन में गोल्ड फिश को बचाना। बट एक प्रिवेंशन है उसको, आपको पीस लेना है ग्रीन पीस, उसको बॉइल करके उसका फोर्स फीडिंग आपको देना होगा। अगर खाता है तो ठीक है, वो जल्दी रिकवर हो जाएगा, अगर नहीं खाता है गाइस तो बचाना बहुत मुश्किल है स्विम ब्लैडर होने पर, ठीक है। वाइट आई हो जाता है बहुत टाइम, तो उसके लिए भी वाटर पैरामीटर आपको सही रखना होगा, पानी एकदम जैसा आप देख रहे हैं अभी क्रिस्टल क्लियर है, ऐसा पानी रखना होगा, ठीक है। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न आपका गोल्ड फिश मरता है, उसका रीज़न है गाइस, आप वो पीछे देख रहे हैं मेरा वहाँ पर एक फिश बॉल है, मैं कभी यूज़ नहीं करता, वो ऐसे रखा है। तो फिश बॉल पे आप कभी भी गोल्ड फिश को मत रखिए, गोल्ड फिश क्यों कोई भी फिश को मत रखिए, छोटे मोटे मॉलीज गप्पीज आप रख सकते हो, बट ये गोल्ड फिश को आप कभी भी बॉल पे मत रखिएगा, ठीक है। इससे क्या होता है, फिश अच्छा नहीं लगता गाइस, गोल्ड फिश को बॉल पे कभी नहीं रखना चाहिए। अब गाइस मैं आप लोगों को एक दूसरा सेटअप दिखा रहा हूँ, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये एक्चुअली जो भी सेटअप है ये मेरा एक रिलेटिव का घर पे है, मैं ही किया था सेट करने। तो ये सेटअप में गाइस पानी आप लोग को बहुत कम चेंज करना पड़ता है, लाइक साल में 1 या 2 बार चेंज करता है पानी। आप देख रहे हैं एक मोटा सा थिक ग्रेवल्स का लेयर है, पानी का अंदर 2 अंडर ग्रेवल फिल्टर है, बहुत अच्छा काम करता है, और एक पावर फिल्टर है और ऑक्सीजन का एक पाइप है। तो इसमें क्या होता है, जो भी गोल्ड फिश वगैरह है आप इनका टैंक सेटअप देख सकते हो, रेनबो शार्क, एक कोरामी एंड कुछ बार्ब के साथ रखा था, अभी कुछ फिशेज हट गया बट गोल्ड फिश अभी भी है, 4 साल पुराना है गोल्ड फिश। तो इसमें गाइस पानी बहुत कम चेंज करना पड़ता है, एंड जो भी फिश पूप करता है ना वो एकदम से गाइस नीचे चल जाता है, वहाँ पर रहता है अंडर ग्रेविल फिल्टर के नीचे, तो दैट्स द रीज़न पानी बहुत साफ रहता है एंड फिश भी हेल्दी है गाइस। ऐसा नहीं कि इतना दिन पानी चेंज नहीं किया है तो फिश अनहेल्दी है, ऐसा नहीं, फिश हेल्दी है, अच्छे से ग्रो किया है। मैं जब भी जाऊँगा नेक्स्ट टाइम मैं आपको एक करेंट वीडियो ज़रूर ला के दिखाऊंगा, ठीक है। ये जितने भी फीसेस से गैलिफिट से बाय किया था 5 रुपया 10 रुपया में, बहुत सस्ता है गैस वहाँ पर, आप लोग कभी भी जाइएगा तो आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये भी एक सेटअप है, आप कर सकते हैं, बट मुझे उस टाइप का सेटअप अच्छा नहीं लगता है, वेल मेंटेनेंस कम है उसमें, बट मुझे ऐसा बेयर बॉटम क्लीन सेटअप जो है ऐसा बढ़िया लगता है, ठीक है। सो गाइस ये था एक छोटा सा लाइक गोल्ड फिश का केयर वीडियो। बहुत लोग मुझे बोलता है मेरा फिश ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, तो आप सेटअप देख लिए, मैं आप लोगों को सजेशन बता दिया, आप ट्राई कर सकते हो। एंड आगे और गोल्ड फिश का मैं
अच्छा अच्छा वीडियो लाऊंगा, उनका डिजीज़ का एक स्पेशल वीडियो आएगा, केयर का अलग वीडियो आएगा, ठीक है, उसको कैसे क्योर किया जाता है, फूड का मैं अच्छा आप लोग को बना के दिखाऊंगा होममेड फूड। ये बस एक स्पेशल केयर वीडियो था, ठीक है। सो गाइस, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिए, एंड माय गॉड मैराबान सो बिग, सो सब्सक्राइब कीजिए गाइस, और अच्छे अच्छे वीडियोस आएगा, ठीक है। एंड बाय द वे, ये मेरा गोल्डफिश नहीं है, मैं बार बार बोलते रहो, ये मेरे फ्रेंड का है, सामने रहता है, उससे मैं लेके आया हूँ आप लोग के लिए केयर वीडियो बनाने के लिए। तो मैं आप लोग कमेंट कीजिए गाइस, मुझे गोल्डफिश रखना चाहिए कि नहीं, ओके। एंड गाइस, गोल्डफिश बहुत खाता है, ठीक है, दे आर लाइक पिग्स। मैंने खाना लिया, अभी खाएगा वो लोग। मतलब आज ही लाया, आज ही फीडिंग ले रहा है, दे आर लाइक पिग्स। Have a nice day. Peace.